हेलो गाइस, सो अभी हम लोग कवर करेंगे WNBA का जो मैच होने वाला है लास वेगास वर्सेस वॉशिंगटन मिस्टिक्स के बीच। ठीक है, तो गाइस अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम अगर आज विजिट कर रहे हो तो यूट्यूब के चैनल को गाइस ज़रूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, और जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस ज़रूर करना, क्योंकि अगर आप प्रेस करोगे बेल आइकॉन को और चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मेरे जो वीडियोज़ है क्रिकेट, फुटबॉल और बास्केटबॉल के आपको डेली टाइम टू टाइम मिलेंगे। ठीक है, मैं उसमें आपको स्मॉल लीग के स्टैट्स, ग्रैंड लीग के स्टैट, प्रॉपर लाइनअप, लास्ट मैचेस की प्लस इंजरी अपडेट, सारे डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। तो आपको यूट्यूब को चैनल के जो सब्सक्राइब करना ज़रूरी है और जो बेल आइकॉन है नोटिफिकेशन के लिए उसको आपको प्रेस करना है। ठीक है, और रही बात मेरी फाइनल टीम की, अभी तो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा टीम मेरा जो होएगा बिफोर द लाइनअप प्रीव्यू टीम का। तो फाइनल टीम का कुछ चेंजेस वगैरह रहता है, अपडेट आता है लाइनअप्स वगैरह, वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। तो ठीक है, तो टेलीग्राम को आपको जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है रोहित द हिटमैन करके। तो आप देख सकते हो ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, मैं जो सुबह न्यूजीलैंड का हुआ था कवर किया था मैंने, देख सकते हो 231.05 पॉइंट्स है पूरा, जो टेलीग्राम में किसी के भी इतने पॉइंट्स नहीं हुए थे, आप देख सकते हो रिजल्ट्स। ठीक है, तो आप रिजल्ट्स वगैरह देख सकते हो। जो सेकंड बाद में मैंने कवर किया था ऑस्ट्रेलिया का मैच था ये, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया के रिजल्ट भी मैंने नीचे पोस्ट किए हैं, देख सकते हो। तो मैं सारे आपको डिटेल्स में देता हूँ, क्रिकेट फुटबॉल और बास्केटबॉल सारे कवर करता हूँ। तो चैनल को आपको जुड़ना ज़रूरी है टेलीग्राम को। ठीक है, तो टेलीग्राम को जुड़ने के लिए आप रोहित द हिटमैन सर्च कर सकते हैं, या फिर जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन सेक्शन है वहाँ मैंने आपको जो टेलीग्राम का लिंक है वो मेंशन किया है। ठीक है, तो सीधा हम लोग गौर करेंगे अभी आज के मैच के लिए लास वेगास वर्सेस वॉशिंगटन मिस्टिक्स के बीच। तो हम लोग पहले देखेंगे लास्ट मैच का जो लाइनअप क्या था दोनों टीमों के लिए और बॉक्स स्कोर क्या था। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वॉशिंगटन मिस्टिक्स की गाइस। तो वॉशिंगटन मिस्टिक्स अगर आप देख रहे हो 86-81 से लास्ट मैच 5 पॉइंट से हारी थी। लाइनअप में देखते हैं कौन था, चार्ल्स, नताशा क्लाउड, एडकिंस, हाइंस एलन, सिडनी वाइस, बाद में बेंच से खेले थे मिचेल, एरिका मैकॉल, बाद में है शावंटे जेलोस, बाद में है प्लेसांस। ठीक है, बाद में जॉनसन और लेसिले को कुछ खेलने का मौका नहीं मिला था। तो परफॉर्मेंस हम लोग देखेंगे चार्ल्स का, देख सकते हैं गाइस, चार्ल्स स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के लिए आपके लिए बेस्ट पिक है, कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। ठीक है, एसपी और पीपी के लिए आपके लिए बेस्ट पिक है, याद रखना। 37 मिनट है, 29 पॉइंट्स, 8 रिबाउंड, 3 असिस्ट, 3 ब्लॉक्स, 2 स्टील, देख सकते हो बहुत एग्रेसिव प्लेयर है, मतलब ब्लॉक स्टील वगैरह सब आपको करके देगी, तो इसको ज़रूर पिक करना है। नताशा क्लाउड देख सकते हो 36 मिनट्स में 2 पॉइंट्स, 4 रिबाउंड, 3 असिस्ट, 1 स्टील। बाद में एडकिंस 35 मिनट्स, 20 पॉइंट्स, 3 रिबाउंड, 2 असिस्ट, 1 ब्लॉक, 2 स्टील्स। हाइंस एलन देख सकते हो 33 मिनट्स में 11 पॉइंट्स, 10 रिबाउंड, 3 असिस्ट, बाद में है 2 स्टील्स। सिडनी वाइस का परफॉर्मेंस देख सकते हो 24 मिनट्स में 12 पॉइंट्स, 2 रिबाउंड, 1 असिस्ट। बाद में है मिचेल 20 मिनट्स में 7 पॉइंट्स, 1 रिबाउंड, 1 असिस्ट। एरिक मैकॉल 9 मिनट्स में 2 पॉइंट्स, 1 रिबाउंड, बाद में 2 रिबाउंड, 1 असिस्ट। बाद में शावंटे जेलोस 5 मिनट्स खेला था, कुछ किया नहीं था, प्लेजेंस ने भी कुछ अपने लिए टीम के लिए कुछ खास किया नहीं था। ठीक है, तो ये टीम की अगर बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट प्लेयर है आपके लिए चार्ल्स, सेकेंड इंपॉर्टेंट है एडकिंस, और उसके बाद में हाइंस एलन। ठीक है, फिलहाल के लिए आप ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग अगर कुछ खेल रहे हो सीधा एसपी और पीपी करो चार्ल्स को, और सेकेंड आपके लिए चॉइस होने वाले यहाँ से एडकिंस। तो अभी सेकेंड टीम है उसकी बात करेंगे हम लोग, लास वेगास एसेस की, देख सकते हो लास्ट मैच जीती है 82-94 से। ठीक है, लाइनअप्स देखते हैं, यंग, विल्सन, ग्रे, विलियमसन, कैम्बागी ने स्टार्ट किया था, और बेंच से खेले थे हैम्बी, प्लम और स्लोकम। ठीक है, देख सकते हैं यंग स्टार्ट जो करते हैं ना गाइस वुमेंस में वही ज़्यादा लोग खेलते हैं, ज़्यादा टाइम खेलते हैं, आप देख सकते हो। यंग का परफॉर्मेंस देखो 40 मिनट में 16 पॉइंट्स, 3 रिबाउंड, 2 असिस्ट, 1 स्टील। विल्सन देख सकते हो 35 मिनट्स, 30 पॉइंट्स, 13 रिबाउंड्स, 5 असिस्ट, 3 ब्लॉक्स। यहाँ से आपके लिए ये एसपी और पीपी के लिए पिक बनेगा लास वेगास की जो ये टीम है, यहाँ से विल्सन आपके लिए बेस्ट चॉइस होने वाला है, और उसके बाद में चार्ल्स ग्रे। ठीक है, तो चार्ल्स ग्रे का परफॉर्मेंस देखो 33 मिनट्स में 11 पॉइंट्स, 3 रिबाउंड, 9 असिस्ट, 1 स्टील। एक्वेना विलियम्स 25 मिनट्स खेली गाइस, 8 पॉइंट्स, 1 रिबाउंड, 1 असिस्ट। बाद में कैम्बागे 24 मिनट्स, 12 रिबाउंड, 6 असिस्ट, 6 रिबाउंड, 1 असिस्ट, 1 ब्लॉक, 2 स्टील। बाद में हैम्बी 24 मिनट्स, 13 पॉइंट्स, 9 रिबाउंड, बहुत बढ़िया प्लेयर है गाइस हैम्बी, लेकिन ये बेंच से आके खेलते हैं इसलिए उसके टाइम ज़्यादा मिलता नहीं है खेलने के लिए, लेकिन प्लेयर बहुत बढ़िया है। बाद में प्लम 14 मिनट्स में 4 पॉइंट्स, 3 रिबाउंड, 2 असिस्ट। स्लोकम देख सकते हो 5 मिनट खेली थी, 1 असिस्ट उसने स्कोर किया था, ज़्यादा उसको खेलने का मौका मिला नहीं था। तो आप देख सकते हो जो स्टार्ट के प्लेयर और बेंच से एक दो प्लेयर ही ज़्यादा टाइम खेलते पूरे मैच, जो नीचे वाले प्लेयर होते हैं वो लोग को ये खेलने का चांस देते ही नहीं है। ठीक है, तो ये था बॉक्स स्कोर लास वेगास के लिए। तो हम लोगों ने अभी बात की दोनों टीमों के बॉक्स स्कोर की, तो सीधा हम लोग अभी गौर करेंगे जो टीम का प्रीव्यू होने वाला है ये मैच के लिए।
ठीक है। तो टीम का प्रीव्यू हम लोग अभी देखेंगे। सबसे पहले है जो पॉइंट गार्ड सेक्शन, पॉइंट गार्ड सेक्शन से ग्रे को मैंने पिक किया है, स्लोकम को पिक किया है, जेलोस को पिक किया है। गाइस एक बात याद रखना, वुमेंस एनबीए में क्या होता है, क्रेडिट जो क्रेडिट होता है प्लेयर का बहुत हाई होता है। तो एक अच्छा प्लेयर लेने के लिए आपको एक मतलब वेस्ट प्लेयर लेना पड़ता है। ऐसा नहीं अगर कोई प्लेयर हम लोग पिक कर रहे हैं टीम में तो सबको खेलने का मौका मिले ही, और वुमेंस में ऐसा होता ही नहीं। जो एक क्रेडिट बचाने वाले जो प्लेयर है 4.5 कभी कभी ये खेलने आते नहीं है, लेकिन एक अच्छा खासा प्लेयर लेने के लिए हम लोग को ऐसा प्लेयर लेना पड़ता है ताकि हम लोग जो मेन प्लेयर है उसको अपने टीम में जगह दे पाए, ठीक है। तो ये बात याद रखना। तो मैंने पिक किया यहाँ से ग्रे को, स्लोकम और जिलोस को, ठीक है। तो ये दोनों को ज़्यादा मौका मिलेगा नहीं, हो सकता है खेलने भी नहीं आए। तो लेकिन हम लोग ने क्या किया, जो मेन प्लेयर्स है वो उसको कवर किया है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, एक प्लेयर ऐसा होता है कि 50 देता है, जो दो प्लेयर मिला के 30 भी नहीं देते, तो उससे अच्छा हम लोग एक वेस्ट और एक अच्छा प्लेयर पिक करें वही बेटर रहेगा। बाद में एसजी सेक्शन, शूटिंग गार्ड सेक्शन से आर विलियमसन पिक किया है, ए एटकिंस को मैंने पिक किया है, आपको यहाँ से के प्लम भी दिखेगी खेलते हुए। बाद में एसएफ सेक्शन से जैसे मैंने बोला हैम्बी बहुत बढ़िया प्लेयर है, एस भी स्टार्ट करेगी मैंने इसको पिक किया है, जय यंग आपको दिखेगी, एन क्लाउड आपको दिखेगी खेलते हुए, ठीक है। तो आप किसी एक को पिक कर सकते हो। बाद में पावर फॉरवर्ड सेक्शन से मैं गए विल्सन के साथ, आपके आज के मैच के लिए एसपी और पीपी के लिए बेस्ट चॉइस। बाद में मैकॉल आपको देखेगी खेलते हुए, एम हाइंस एलन दिखेगी यहाँ से खेलते हुए। सेंटर सेक्शन से आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन से आपके पास प्लेसेंस दिखेगी, कैम्बेगे दिखेगी आपको, पार्क दिखेगी और चार्ल्स दिखेगी। तो मैंने चार्ल्स को पिक किया क्योंकि चार्ल्स का पावर लास्ट जो मैचेस थे रिसेंट बहुत अच्छा था, ठीक है। तो चार्ल्स पे मैं रिस्क ले रहा हूँ, देख सकते हो 23 क्रेडिट है गाइस चार्ल्स का। तो ये रही कुछ मेरी टीम की प्रीव्यू। एसपी फिलहाल के लिए मैंने किया है टी चार्ल्स को, ठीक है, और पीपी बना ए विल्सन को। आपके लिए अलग अगर चॉइस आप देखोगे तो ए ग्रे और एटकिंस आपके लिए एसपी पीपी के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है, ठीक है। अगर चार्ल्स को आपको ड्रॉप करना है आप ज़रूर कर सकते हो, चार्ल्स की जगह आपके पास ऑप्शन मिलेगा लेने के लिए कैम्बेगो को ले सकते हो, और उसके बाद में अगर आप चाहे तो जिलोस को निकाल के यहाँ से आप अपने टीम में मतलब क्रेडिट मैनेज करने के लिए एटकिंस को निकाल के यहाँ भी बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे, क्लाउड ले सकते हो, बाद में 14.5 क्रेडिट आपके पास बच रहा है। तो उस हिसाब से इधर एमबी को भी आप मैनेज कर सकते हो अपने टीम में, देख सकते हो यहाँ एमबी भी आ गई, और 5.5 से यहाँ पे आप जेलियस को ले सकते हो। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन अगर आपके बनाना है तो आप बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए जो मेरा टीम का कॉम्बिनेशन था उसके साथ ही मैं जा रहा हूँ। लाइनअप में अगर कुछ चेंजेस रहेंगे तो मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट कर दूंगा। रोहित द हिटमैन आपको सर्च करना है टेलीग्राम पे, या फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट गाइज फॉर दिस मैच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।